गुरमत प्रचार जथा मल्लां वाले वल्लों मनाया गया गतका दिवस। खालसा पंथ की गौरमई विरासत चढ़ती कला के प्रतीक कौमांतरी गतका दिवस मनाउंदिया गुरमत प्रचारक जथा मल्लां वाले इलाके दी समूह संगतां दे सहयोग नाल विशेष कौमांतरी गतका मार्च कढ़िया गया। गतका मार्च की आरंभता की अरदास बाबा बलकार सिंह वल्लों करन उपरंत यह मार्च गुरद्वारा विश्वकर्मा सिंह सभा तो रवाना होया जो कस्बा मल्लां वाले के वख-वख महल्लिया बाजारां तो गुजरिया। इस मार्च में बच्चों वालों गतके के जोर विखाए गए और इस मौके पर बाबा बलदेव सिंह मास्टर कुलदीप सिंह गुरजंट सिंह हरनेक सिंह आदि हाजिर सन। मल्लां वाले तो विशेष रिपोर्ट गौरव पटेजा दी। बने रहो साढ़े नाल देखते रहो साडा चैनल। जेकर तो साडे चैनल ते नवे हो तो हुणे यूट्यूब ते जाके साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते ऑल घंटी ते क्लिक करो ताकि पंजाब भर दीआं खबरां तुहानूं मिल सकन सब तो पहलां। जेकर तुसीं फेसबुक ते हो तो साडे फेसबुक पेज नूं फॉलोइंग लाइक जरूर करो ते नाल दी नाल तुसीं साडे ट्विटर हैंडल इंस्टाग्राम डेली हंट शेयर चैट चैनल नूं फॉलो करना ना भुल्लो। तुहाडे तक पहुंचावांगे हर नवीं ताज़ी जानकारी ते पंजाब दीआं देश विदेश दीआं खास खबरां। समुच्चियां संगतां नूं अज गतका दिवस दीआं लख लख वधाईआं होण। अज मल्लां वालिआं दी समुच्ची संगत वल्लों उपराला कीता गया है कि एक गतका मार्च मल्लां वाला गुरद्वारा सिंह सभा विश्वकर्मा तो आरंभता हो के और पूरे मल्लां वाले शहर विच हुंदा होया वापस इत्थे आवेगा। सो ये गतका मार्च कढ़न दा इको एक मनोरथ है कि सानू सतगुरु साहिब जी ने बाणी ते बाणा बख्शिया, शास्त्र ते शास्त्र बख्शिया सी। सो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सानू ये हुक्म कीता सी कि जिथे सिख सानू माया भेट करन उत्थे सानू जवानी भी भेट करन, उत्थे वधिया शास्त्र भी लैके आउण। और इस वास्ते ये जिहड़ी परंपरा मर्यादा जिहड़ी है उहनू बहाल करन वास्ते ये जिहड़ी अज जो गतका मार्च कढ़िया जा रहा है। नाल नाल मैं एक होर बेनती करना चाहुंदा कि पिछले दिनी साढ़े सत्कारयोग अकाल तख्त वालों ऐलान होया सी कि हर एक सिख जिहड़ा है बच्चा है वह शस्त्रधारी होवे ते नाल गतका ते शस्त्रां दी सिखलाई लवे। असीं अकाल तख्त दे हुक्म नूं मनदे होयां ये जिहड़ी है अज जो इत्थों मार्च कढ़िया जा रहा है। और मैं बेनती करांगा अकाल तख्त जथेदार साहब नूं बेनती करांगा कि जथेदार साहब जी तुसीं बयान दिता असीं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदे हां, पर जिहड़ा तुसीं बयान दिता है ये लागू भी करो। तुसीं एक अजिहा दिन पक्का ही मुकर्र करो कि उस दिन पूरी सिख कौम वो जिहड़ा है गतका दिवस मनावे, उस दिन गतका दिवस मनाया जाए। भावें जो मीरी पीरी वाला दिन मुकर्र करो, कोई भी दिन एक पक्का करो जिस दिन पूरी सिख कौम पिंडां पिंडां विच शहरां शहरां विच गतका दिवस मनाया जाए ते नौजवान पीढ़ी नूं बाणी ते बाण नाल जोड़िया जाए। ये मेरी बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह आप जी ने जथेदार भाई बलकार सिंह जी तो सरवण किया है कि अज समुची कौम इस दिन नूं गतका दिवस के रूप में कौमांतरी पद्धर के उत्ते विश्व पद्धर के उत्ते मना रही है। तो असी ये पुर जोर अपील भी करते हैं श्री अकाल तख्त साहिब नूं कि इस दिन नूं पक्के तौर दे उत्ते जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां इस दिन नूं उत्साहित करके गतका दिवस दे तौर ते होर वड्डे पद्धर दे उत्ते उपराले कीते जाण तां कि हर एक गुरु घर दे विच हर एक इलाके दे विच इस दिवस नूं गतका दिवस दे तौर ते मनाया जावे। और मौजूदा समें दी साध संगत जी मंग भी है जथेदार साहब जी दे बयान दे उत्ते भावें कुछ फिरका प्रस्त जां सौड़ी सोच वाले नैरो माइंडड लोगों ने इतराज़ भी जाहर किए, पर जिवें शस्त्रां दे नाल शांति आउणी है कि शांति आउणी है ये तो वर्तन वाले की सोच के उत्ते निर्भर हुंदा है। और मौजूदा समय के हालातों नूं वेखदिआं होइआं कल्ला सिख ही नहीं हर एक बंदे नूं शस्त्रधारी हो के खुद की सुरक्षा करन दा जुम्मा जिहड़ा उह आप नूं चुकना चाहीदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सिखां नूं इह परंपरा दित्ती है पहले पातशाह जी तो लैके दसवें पातशाह तक, दसवें पातशाह तो हुण तक जिहड़ा है सिख समाज विच रह के खुद की रक्षा करता है, अपनी इज्जत आबरू नूं जिथे बरकरार रखता है उत्थे जिथे किथे सिख वासा हुंदा है उत्थे आंढ गवांढ भी अपने आप नूं सुरक्षित महसूस करता है। सो सतगुरु साहिब दीआं दित्तीआं हुईआं महान सभ्यतावां नूं महान मर्यादावां नूं सानूं संभाल के
ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।